Hey, hello guys, welcome back to our channel. और एक बार आपका ब्यूटी सॉल्यूशन में वेलकम है, स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गया हूँ पब्लिक चांदनी वाइटनिंग क्रीम। ओके, तो चांदनी वाइटनिंग क्रीम के बारे में रिव्यू करेंगे। बहुत टाइम से चांदनी वाइटनिंग क्रीम के बारे में बात ही नहीं किए क्योंकि मार्केट में स्टॉक जो आ रहा था वो डुप्लीकेट आ रहा था, इसके लिए मैं रख नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है डायरेक्टली मंगा रहे हैं बाहर से, अभी आपको चांदनी वाइटनिंग क्रीम अवेलेबल हो जाएगी। तो चांदनी वाइटनिंग क्रीम के बारे में फुल रिव्यू देंगे, फुल बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ज़रूर। ओके, लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी कर लेना अगर आपको कोई क्वायरी है किसी चीज़ के, या फिर चांदनी क्रीम से, या तो फिर आपको कुछ पूछना है मेरे से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई लोग तो लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चांदनी क्रीम के बारे में। तो चांदनी क्रीम ये वाइटनिंग क्रीम है एक तरह की, ये एक ऐसी वाइटनिंग क्रीम है जिसका इन्होंने जो है वो चांदनी ब्यूटी क्रीम नहीं लिखा है, सिर्फ बाकी सब पे चेंज हो चुका है। चांदनी ये गोरी ब्यूटी क्रीम, फायदा ब्यूटी क्रीम, पहले वाइटनिंग आती थी, अभी सब ब्यूटी हो गया, लेकिन चांदनी वाले ने चेंज नहीं किया, मानना पड़ेगा भाई इसको। दूसरी बात जो है ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, सबको पता है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है और रिमूव एक्नी व्रिंकल पिंपल डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स। ठीक है, ये इन चीज़ों पे वर्क करता है, रिमूव करता है एक्नी को यानी फोड़ी वगैरह को रिमूव करता है, व्रिंकल पिंपल्स पिंपल्स वगैरह को भी रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है और डार्क सर्कल को भी बहुत ही आसानी से रिमूव करता है। डार्क सर्कल उसे बोलते हैं जो आँखों के नीचे होता है कालापन, और इसे जो है एस जी एंटरप्राइजेस बनाती हैं और ये पाकिस्तानी क्रीम है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये पाकिस्तानी नंबर है इनका, कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पे अरबिक में लिखा हुआ, मैं अरबिक इतने जानता नहीं हूँ। तो ये पाकिस्तानी प्राइस है, ये प्राइस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, ये रिटेल प्राइस होलसेल प्राइस कोई मतलब नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट लिखी हुई है www.channisj.pk और फेसबुक लिखा हुआ है, फेसबुक का भी इनका आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अरबिक में लिखा हुआ है वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें जो है इसकी इंग्रेडिएंट्स की देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या डाले जाते हैं। मिल्क प्रोटीन डाला जाता है, सनस्क्रीन डाला जाता है। ये सनस्क्रीन लोग क्यों डालते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, ये नाइट क्रीम है जैसे नाइट में यूज़ करते हैं तो लोग सनस्क्रीन क्यों डालते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और थर्ड चीज़ है वो एलोवेरा, एलोवेरा बहुत अच्छा है और फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। ओके, तो ये तीन चीज़ में बहुत अच्छी है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और ये जो है पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह जो है इनकी कंपनी है, पहले पाकिस्तान में थी, अभी दुबई में भी इन्होंने ब्रांच चालू कर दिया। जितने भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है सब दुबई भागने लग गए आहिस्ता आहिस्ता करके, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आ सकता है, इसके लिए वो इस तरह से जुगाड़ लगा रहा है अपना। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले यहाँ पे ये ऐसा नहीं आता था, डिस्ट्रीब्यूट बाय AKD, अभी आने लगा है AKD कॉस्मेटिक्स। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो आप पाकिस्तान और UAE का फ्लैग है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग आ रही है, आप लोग देख सकते हो पीछे लिखा है SJ Enterprises जो ये कंपनी इसे तैयार करती है। और यहाँ पे इनका बैच नंबर लिखा हुआ, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी दोनों भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रहा इनका पैम्फलेट, इनका पैम्फलेट कुछ इस तरीके का आ रहा है, पहले बड़ा आता था अभी एकदम छोटा कर दिया है इन्होंने, पैसा बचा रहे हैं। चांदनी आई यूज्ड टू गेट राइट ऑफ डार्क मार्क्स कलर ब्लॉचेस एंड एजिंग स्पॉट डार्क लाइन्स एसोसिएट विद एजिंग रिंकल एंड लाफ लाइन्स द डार्कनेस ऑफ ड्राई लुकिंग सर्कल अराउंड आई फ्रोजन बम मार्क्स एंड डार्क शेडो ऑल ऑल्सो बीन वैनिश यूजफुल टू रिमूव सर्फेस स्कार्स।
तो ये बोल रहे हैं क्या ऑल किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, बम्पीनेस वगैरह, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डार्क शेडो वगैरह है, या तो फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है, तो वो सभी को जो है वो रिपेयर करता है और आपको एक डिज़ायर लुक और ब्राइटर फेस देता है, जिससे आपको आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। और इसी तरह यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जो कि अरबिक में आता तो नहीं है मुझे अरबिक, तो हम लोग जो है इसे रख देते हैं अभी क्रीम को ले लेते हैं। क्रीम की हम लोग जो है अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर कैसी क्रीम रहती है और कौन सी क्रीम जो है ओरिजिनल होती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत डुप्लीकेट आती है भाई, बहुत सारी डुप्लीकेट आती है। गोरी और तीनी ब्रांड सबसे ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान के हर जगह पे, इंडिया की नहीं बात करूँगा, हर जगह की बात करूँगा। गोरी, फाइजा और चांदनी क्रीम सबसे ज़्यादा फेमस है गाइस, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है डुप्लीकेसी का चांसेस है। देखिए बहुत टाइट है, नाक से तोड़ना पड़ेगा मुझे, तो ये है गाइस ओरिजिनल की पहचान ही अलग होती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी लोगो लिखा हुआ है चांदनी का, और ये चीज़ आप ज़रूर गौर करना, ये ओरिजिनल में रहता ही है। ओके, ये चीज़ आप ज़रूर गौर करना, ये ओरिजिनल में रहता है, डुप्लीकेट वाले लेकिन बहुत सारे लोग कमीने लोग हैं, बना देते कुछ भी करके। ये हटा दिया, यहाँ पे भी इनका चांदनी का आप देख सकते हो, मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे भी चांदनी लिखा हुआ रहेगा, जितना हो सके मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। दो बार चांदनी, दो नहीं, एक दो तीन, तीन बार चांदनी लिखा हुआ रहेगा, ओके, तीन जगह पे, यानी ट्रायंगल शेप, ओके। तो ये है चांदनी वाइटनिंग क्रीम, तो देख सकते हो आप, भी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखती है चांदनी वाइटनिंग क्रीम, ठीक है। और इसमें जो है कोको बटर की खुशबू आती है, कोकोनट बटर की बहुत ही प्यारी खुशबू है, अगर आप ओरिजिनल की खुशबू सूंघोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत बोले पर बहुत प्यारी खुशबू है। मैं क्रीम हाथ में ले लेके बोर हो गया हूँ, तो इसके लिए मैं आज ऐसा क्रीम लगाऊंगा, टाइम पास करेंगे। देख सकते हो क्रीम को ले लिया है मैंने, और ये बहुत ही प्यारी क्रीम है, बहुत स्मूथ रहती है और बहुत ही बटरी जैसी लगती है और बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। देख सकते हो मैं क्रीम यूज़ कर रहा हूँ अभी, हाथ पे इसके लिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी खाना खाने भी जाना है, और मैं इस तरीके से यूज़ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से अप्लाई हो जाती है और ये बहुत ही बढ़िया क्रीम है, आप लोगों को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ये क्रीम भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तीन ही क्रीम फेमस है, मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा फेमस तीन क्रीम है पाकिस्तान की, वो है चांदनी, गोरी और फाइजा क्रीम, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें भाई, सब्सक्राइब नहीं करें तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।